मैं हूं रशीद बलोच दरून टी वी के साथ आपके साथ मुखातब हूँ नद्रन वजी अजम पाकिस्तान इमरान खान ने आज गवादर में होने वाले धरने के बाद जो मसाइल हैं पब्लिक के उसका नोटिस ले लिया है अल्लाह खैर करे बहरहाल और दूसरी जानेब मौलाना ने भी वज़ी अजम का खैर मकदम किया है नोटिस का ये होगा आज का हमारा मौजू जो हमारे नए नाजरीन हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करें और साथ में फ़ीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें नाजरीन कल गवादर में जो रैली हुआ था उसने पूरे पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों में एक तरह का एक हलचल मचा दिया है किसी के वहम गुमान में भी ये नहीं था कि गवादर जैसे छोटे शहर में इतना बड़ा क्राउड जमा होगा अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आएंगे तो धरने के बाद वज़ी पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया है ज़्यादातर जो मसाइल का अमल दखल है वो मरक़ी हुकूमत से है इसमें कानूनी फिशिंग का काम हो बॉर्डर मैनेजमेंट का काम हो या चेक पोस्टों का काम हो इन तमाम का मामला जो है वो मरकजी हुकूमत से जुड़ा हुआ है तो ये अच्छी बात है कि वज़र अजम पाकिस्तान ने एक महीने के बाद बलूचिस्तान के आवाम की आवाज़ सुन ली और उसका नोटिस ले ली है लेकिन मसला ये है कि वज़र अजम साहब जब भी किसी चीज़ का नोटिस लेते हैं तो वो मसला मज़ीद गंभीर हो जाता है मैं तंजिया नहीं कह रहा हूँ सबका रिकॉर्ड बता रहा है देखें वज़ी अजम साहब ने चीनी पे नोटिस लिया था आटे पे नोटिस लिया था पेट्रोल पे नोटिस लिया था इन तमाम चीज़ों पे नोटिस लिया गया वज़र अजम की जानब से वजह यह कि मामला सुधर जाते महंगाई मज़ीद बढ़ गई अब वज़ी अजम साहब ने बलूचिस्तान के बॉर्डर के मामलात और दीगर जो रिलेटेड हैं मरक़ी हुकूमत से उनका नोटिस लिया है हम दुआगो हैं और उम्मीद रखते हैं कि ये नोटिस उल्टा ना पड़े अगर उल्टा पड़ गया तो मामलात और गंभीर हो जाएंगे इससे कबल भी वज़ी अजम साहब बलुस्तान से मतलब काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं पिछले दौरीकूमत में इमरान ख़ान साहब बलोचिस्तान के दौरे पर आए थे और उन्होंने मुख्तफ इलाक़ों का दौरा किया और जलसे किए मुझे याद है सिब्बी में जब उनका जलसा था तो उन्होंने कहा था कि बलोचिस्तान में पसमानदगी हद से ज़्यादा है गुरबत हद से ज़्यादा है अगर मुझे मौका मिलेगा तो सबसे पहले मैं फ़ोकस बलोचिस्तान को रखूँगा उन्होंने दालबंदन में किसी ख़ातून की मिसाल भी दी थी जो दूर दूर से पानी सर पर लाद कर इस्तेमाल के लिए ला रही थी ये मिसाल काफ़ी वायरल हुआ वजी अजम की स्पीच के बाद खैरोजम वजीरम नहीं थे बहरअल अभी वजी अजम ने नोटिस लिया है मैं जाती तौर पर मुझे ज़्यादा तोा नहीं है क्योंकि इससे पहले मैं जैसे कह चुका हूँ मैं नहीं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान का आवाम कहता है कि जिस चीज़ पे नोटिस लिया जाता है उसका उल्टा असर होता है मैं इतना पुरुद नहीं हूँ बराल ना मैं ज़्यादा खुशफहमी में मुबतला हूँ ताहम मौलाना हिदायतर साहब ने वज़ी अजम साहब के इस नोटिस का ख़ैर मकदम किया है और उन्होंने कहा कि हम मजाक करेंगे हमने कभी भी मजाक का रास्ता नहीं छोड़ा है और हम चाहते हैं कि हमारे मसाइल हल हों क्योंकि एक पोलिटिकल बंदा सियासी बंदा हमेशा टेबल टॉक करते हैं अगर मसाइल वजीम साहब हल करते हैं तो मुखरत तो किए जा सकते हैं ज़्यादा कि वो बैठे हैं कि ताकि उनके साथ आके मुर किए जाएँ उनके मसाइल हल किए जाएँ ना सिर्फ मुजाकर किए जाएँ बल्कि मामला हल किए जाएँ लेकिन इससे पहले सूबाई हुकूमत की जानब से तो कोशिश की गई कि जाके मिलें मुलाकात करें और मुकर मामल को हल करें लेकिन मैं समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत ने जिन लोगों को भेजा उनमें से एक दो बंदे ग़लत निकले मिसाल के तौर पर मिरहूर बुलेदी साहब उस डेलीगेशन को हेड कर रहे थे उसकी सरबराही कर रहे थे उनका रवैया जारियाना था शुरू में इवन के ये भी कहा गया कि मौलाना को उन्होंने धमकी दी थी कि अपना धरना ख़त्म कर दें नहीं तो हम बलोचस्तान हुकूमत जो है उसको पुलिस के ज़रिए बज़ोक़ुत धरने को उठाएंगे देखिए इस तरह मुनासिब नहीं होते हैं जब आप मुत के लिए जाते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू होता है जो मुबाते हैं उस पर भी अमल दरामद नहीं होता और आगे से आप धमकी देते हैं ये मेरे ख़्याल में सूबा हुकूमत की जानब से जो डेलीगेशन गया था उसने सूबा हुकूमत के लिए एक अच्छा छाप नहीं छोड़ा अच्छा तासर नहीं छोड़ा ये वजीर अ बलोच्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए था मेरे ख़्याल में और बास पुश करनी चाहिए थे मी बुरेदी साहब से कि इस तरह की बातें नहीं हो कर किया करते हुकूमत और जो नुमाइंदगी करता है हुकूमत का ज़ाहिर के वो हकूमत का तर्जमान होता है वो हकूमत का मौका बयान कर रहा होता है अगर ये संजीदगी से मामला को आगे बढ़ाया जाता है तो तलखियाँ इतनी नहीं बढ़ती लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि बहुत से मामला वो तो हुकूमत से जुड़े हुए नहीं हैं लेकिन ज़िम्मेदारी हुकूमत बलोचस्तान की बनती थी कि वजी अल बलोचान मीर बिरंजो साहब वो चले जाते मरकज़ में वहाँ पर वज़र अजम से मुलाकात करते मामला को डिस्कस करते हैं और जहाँ तक मुमकिन होता हुकूमत के लिए वो को आसान कर देते और मुालबात मान तो लिए गए उसमें कम से कम थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट किया जाता देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बलूचिस्तान हुकूमत भी उनको कर सकती है धरना इतना तवील ना होता अगर उन मसाइल को आहिस्ता आहस्ता हल किया जाता एक बार फिर मैं कहूँगा कि खुदा करे मेरा गुमान नहीं है मेरी उम्मीद नहीं है कि वजे अजम पाकिस्तान ने जो नोटिस लिया है और ये आसानी पैदा हो बलोचतान के अवाम के लिए बॉर्डर के एरियाज़ में रहने वालों के लिए ग्वादर के फिशरमैन के लिए और आने जाने वाले जितने बलोचिस्तान के लोग हैं जिनका बॉर्डर से रोज़गार वाबस्त है उनके लिए आसानियाँ पैदा हों ताकि गुरबत ज़दा बलोचिस्तान में रोज़गार का एक जो तसलसल जारी था जो बंद हुआ है वो दोबारा चल पड़े अब देखना ये है कि वज़र अजम पाकिस्तान कब तक इन मसाइल अमल दरामद करना शुरू करेंगे अपने और रशीद बलोच को कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा अल्लाह हाफि